हेलो गाइस, दैट्स व जेके एंड आप देख रहे हो द कॉमन सेंस। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग पोको एम टू रीलोडेड। कंपनियां पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई, पोको निकाला, पोको एम टू निकाला, फिर पोको एम टू रीलोडेड निकाल दिया भाई। अब देखते हैं रीलोडेड में क्या डिफरेंस है पोको एम टू से। तो ये रहा बिल पेपर, ठीक है, तो सब रखते हैं साइड में। अभी देखते हैं मेन चीज़। तो ये है, यहाँ पर डिफरेंस तो अभी तक मुझे यही दिखाई दे रहा है कि पोको एम टू रीलोडेड लिखा हुआ है, बस यही है। सब जगह रीलोडेड मेंशन किया गया है, बाकी उसमें तो पोको एम टू था खाली, इसमें रीलोडेड आ गया। बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस तो बस 4GB में 6GB आ गया, 6GB में 4GB आएगा। मतलब पोको एम टू जो था उसमें 6GB का मिलता था रैम, इस पर सिर्फ 4GB है। तो ये देख सकते हो बॉक्स, ठीक है। ये रहा पोको का एक ब्रांडिंग वाला एक कवर, इसके अंदर मिलता है आपको एक सिम इजेक्टर टूल और डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि कागजात जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन ये कोई पढ़ता ही नहीं है, क्यों देती है कंपनियां। और ये रहा मेन चीज़, इसे रखते हैं साइड में और देख लेते हैं बॉक्स में क्या है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा चार्जर, ठीक है, 18W का फास्ट चार्जर ये सपोर्ट कर लेता है ये फ़ोन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10W का चार्जर दिया गया है। और ये एक USB-C केबल, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। लेंथ अच्छा लगा मुझे। और कंपनियां आजकल बहुत सारे फ़ोन लॉन्च कर देते हैं यार, एक महीने में 10-15 फ़ोन लॉन्च कर देते हैं, एक ही कंपनी एक ही ब्रांड, ठीक है। तो क्या करें अब, देखो ये है फ़ोन। राइट साइड में आपको वॉल्यूम लॉकर्स एंड पावर बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ 4 कैमरा दिया हुआ है और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। और ये क्यों चिपका के देता है फ़ोन के बैक में पता नहीं यार, पैकेट में देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो इस साइड में है पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर्स, एंड उस साइड में है सिम ट्रे, बस जो हाइब्रिड वाला है एक सिम ट्रे, जिस पर आप क्या कर सकते हो, मेमोरी कार्ड भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख सकते हो छोटा सा कैमरा है डेप्थ के लिए 2 मेगापिक्सल का, बाकी यहाँ पर 3 कैमरा है 13, 8 एंड 5, और उसके नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। और यहाँ पर पोको का ब्रांडिंग और साथ में ग्रेडियंट फिनिश है डुअल टोन वाला। और इस पर प्रोसेसर लगा हुआ है G80, मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर। तो इनहैंड फील तो अच्छा है, करीब 200 ग्राम्स का है ये फ़ोन और 9mm का थिकनेस है इसका। और पावर ऑन कर लेते हैं और हम सेटअप करके फिर आपको दिखाते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ये MIUI आ गया, MIUI इस पर 11 है और एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है ये फ़ोन। इस पर IPS डिस्प्ले लगा हुआ है जो कि एक फुल HD का डिस्प्ले है, देख सकते हो सेटअप हो चुका है। और ये फ़ोन अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ब्लोटर्स भी इन लोगों ने डाल के रखे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई ये सब क्यों रखते हैं ये लोग। फेस अनलॉक हो रहा है, फेस भी अच्छा काम कर रहा है, फेस अनलॉक मैंने लगाया था, फिंगरप्रिंट भी लगाया था। ये देखिए यहाँ पर राइट का सिंबल आ जाएगा, ये देखिए राइट का सिंबल आ गया टाइम के ऊपर, तो यहाँ पर पता चल जाता है कि फेस अनलॉक से अनलॉक हो चुका है ये फ़ोन। बाकी यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, फिजिकल फिंगरप्रिंट है, तो मतलब फिजिकली होता है, लेकिन ये बैक साइड वाला है थोड़ा सा ऊपर हो गया मेरे हिसाब से, स्पीड अच्छा है लेकिन कैमरे के साथ दे दिया ये थोड़ा सा ऊपर की साइड हो गया, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन डे टू डे लाइफ में जब आपका यूज़ करोगे ना तब आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो जीली वगैरह बहुत सारे ऐप इन लोगों ने डाल के रखा है, ये बहुत ही घटिया काम करते हैं ये जो कंपनियाँ होते हैं। इंडिया में ये सब देना नहीं चाहिए ब्लोटवेयर्स, और साथ में ऐड तो आती ही है इनके MIUI में। तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं कैमरे की, तो यहाँ पर 4 कैमरे पीछे की तरफ और 1 कैमरे सामने की तरफ दिया गया है। 13 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर है, तो ये देख सकते हो फोटो मेन सेंसर का पोको एम टू रिलोडेड करके लिखा हुआ आ गया यहाँ पर भी, ठीक है। और साथ में 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो मिलता है, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। यहाँ पर देखो पोर्ट्रेट, बहुत सारे मोड यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि टाइम लैप्स, फिर आपको स्लो मोशन, पैनोरामा, टाइम लैप्स एक्सेट्रा, शॉर्ट वीडियो, और एडिट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब मिल जाता है आपको पोर्ट्रेट में, तो क्या दिखाए। और यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, AI HDR वगैरह बहुत सारे मोड आपको मिल जाते हैं। वीडियो मोड है, यहाँ पर 1080 एट 30 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये प्रो मोड।
और साथ में इस पर क्या होता है कि वो स्टेबलाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी दिया गया है यहाँ पर, तो एक फ़ोटो खींच के आपको वीडियो ही हो रहा है मेरा, क्या ही बताए, आप फ़ोटो खींचते हैं इससे, ठीक है। तो फ़ोटो ले लिया, तो देखते हैं क्वालिटी कैसा है। तो ये देख सकते हो 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसका क्वालिटी अच्छा लगा, लेकिन आपको जो डायनेमिक रेंज मिलता है फ्रंट कैमरा में वो ज़्यादा खास नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। तो बैक कैमरा थोड़ा बहुत सही है, लेकिन फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। स्टेबलाइजेशन वगैरह कैमरे पे नहीं मिलता है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसका जो स्पेसिफिकेशन है मोबाइल का, वो देख लेते हैं। ये 4GB रैम में आता है। पोको M2 जो था वो 6GB की एक ऑप्शन था, 4GB का ऑप्शन उस पर नहीं था। तो ये पोको M2 रिलोडेड करके इस पर 4GB की एक ऑप्शन दिया गया है इस फ़ोन में। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या है इस, यहाँ पर 14GB तो खा ही लेता है फ़ोन पहले ही। और ऑल स्पेक्स पर जाओगे तो 4GB एंड 64GB ऑक्टा कोर, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है देख सकते हो। मीवी का वर्शन देख सकते हो, 12 पॉइंट कितना दिखा रहा है, लेकिन 11 है। कर्नल वर्शन, बिल्ड वर्शन, मॉडल आप देख सकते हो। और इंटरनल स्टोरेज तो 64 का ही है, बता ही दिया मैंने। और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 का 10 मिल जाता है, एंड्रॉयड 10 है इस पर। और क्या ही दिखाए, बाकी एक फ़ोन में जो होना चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक भी मिल जाता है, बाकी सही है फ़ोन। और क्या ही दिखाए हम आपको, बाकी ये तो बैग तो प्लास्टिक का है, और इस पर आयर ब्लास्टर वगैरह मिल जाते हैं आपको। जो नीचे के साइड सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर है, स्पीकर का आउटपुट इतना ख़ास तो नहीं है, बट चलता है ऐसा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहो, स्वस्थ रहो, घर पे रहो, बस यही है। Tell me